कृष्णा 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 भैया आई लव यू। जिंदगी हाय रे जिंदगी, इस औरत की जिंदगी देखो, दिन भर बर्तन। भाभी जी ओ माय गॉड, ये देखिए पहाड़ी मच्छर, पहाड़ी पहाड़ी मच्छर। नमस्ते, शश्रीयकाल, वड़कम, आदाब, सुप्रभात, आ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। आपकी ज्योति आपका स्वागत करती है आज के न्यू व्लॉग पे। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है और स्वस्थ भी है। और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त है अपनी पे इसी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करने में, और उनके लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनाने में, और खुद की थोड़ी बहुत सेवा करने में। तो आज सुबह सुबह मैं गर्म पानी पी रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यही तो होता है ससुराल का असर, कुछ अच्छी आदतें आ ही जाती है और अकेले रहने में हम कुछ बिगड़ जाते ही हैं। तो अब जा रही जयश्री स्कूल, तो मैं उसको छोड़ के आती हूँ, फिर आपको ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। सब जा रहे हैं जयश्री को बस तक छोड़ने। जयश्री का टाइमिंग है 7 बजे। जयश्री जल्दी जाना, ठीक है, बाय। रोटी खाते खाते देख लिए, समझ सकते हैं आप बच्चे को पता कितने सुबह जल्दी जाना पड़ता है इतना ठंडे का मौसम। बाय, इसको भी जाना है स्कूल। आप भी जा रही हो, आप भी जा रही हो। अम्मा ला चुकी है मूली, अब हम बनाएंगे। अम्मा मूली का ना पराठ बना रहे हैं, पराठा, मूली पराठ, टेस्टी टेस्टी। गुड मॉर्निंग अम्मा, गुड मॉर्निंग। अम्मा यहाँ पे दो कीज दे दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पी रही हूँ चाय स्वास्थ्यान कप में। ये आप अच्छा यूज कर रहे हो, बच्चों के स्कूल में जो कप मिला है ना गिफ्ट में, इसका अच्छा यूज किया आपने। अच्छा लगता है मुझे बड़े कप में। मोस्टली लोग जो 100 पीस में होता है ना, 100 पीस के लिए रख देते हैं इसको, बट देखो एक माँ ने प्रॉपर यूज किया, मेरे बच्चे को मिला है तो पता है मैं इसको बहुत संभाल कर रखूंगी। भगवान जाने। तो आज क्या बनाने वाली हो आप? मूली का पराठा, ताकि सबका पेट सही हो जाए, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सही हो जाए। okay. और वो अलग बात है कि कुछ निकलते भी जाएगा आपका। टेस्टी टेस्टी मूली पराठे खाते हैं, खाने के बाद निकलता भी बहुत कुछ है। वो भी बड़ा खतरनाक ही होता है। तो फ्रेंड्स, मूली के पराठे का मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है, मूली की पराठे की। देखिए सर, मूली सब कुछ, इतने थोड़ी बहुत हरी सब्जी भी डाली है, धनिया डाला है, मेथी डाला है, और जो हमारे डेली यूज़ के मसाले होते हैं वो डाला है। अब मैं इसका आटा गूंथ लूँगी। चन चन टन 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 टन। इश्की अपने पापा को देख रही, बोली पापा मेरे को भी लेके जाओ, इसको आपके साथ रहना है। मेरे साथ तो रहना है, इसका बुखार कैसा है? इसका बुखार ठीक है अब। की होटल ली भी गाड़ में को हाँ सही कह रहे हो आप, ये दिखावे के लिए कर रहे हो ना काम। आप तो बोलते मुझे बुखार आया है। बुखार है? हाँ पागल हो गया। हाँ जान कर रहे हैं दिखावे के लिए काम। 2 दिन के लिए आए थे, सोच रहे पापा को इम्प्रेस करता हूँ, अम्मा को इम्प्रेस करता हूँ और अपनी भाभी जान को इम्प्रेस करता हूँ। भाभी जान तो खुद ही खेत में नहीं जाती, क्या इम्प्रेस करना है। हाँ हाँ गुड बेटा, गुड, अच्छा काम कर रही हो। जय जवान जय किसान है, किसने बोला था बताओ? जय जवान जय किसान बताओ है क्या? रुको आप, ये पापा भी व्लॉग देखते हैं, पापा को बताती हूँ। जवाई ऐसा जवाई है ये, देखो इसी अच्छे से करना। आज का जो डिनर था ना, भैया ने बनाया था, इतना टेस्टी बनाया था। सॉरी हाँ,
मतलब मैं भी क्या करूँ यार, इतना टेस्टी हो रहा था ना, मतलब मैं लंच को डिनर, डिनर को लंच कह दे रही हूँ, समझ सकती हो आप कितना टेस्टी हो रहा होगा। कि देखो भाभी लगी है कुकर चाटने में और मैंने ऑलरेडी कुकर चाट दिया है, तो आप समझ सकते हैं इससे कितना टेस्टी हो रहा होगा। और हमारे बच्चे भी लगे हुए हैं खाना खाने में, तो भैया को कितने नंबर दोगी आप खाने में? कितने में से बताओ, 10 में से, 100 में से? चलो आप अपने उनसे दे दो, 100 में से 100, 100 में से 100। मैं तो नहीं यार, 100 में से मैं दूंगी 110। ऐसा क्या होता है जिंदगी, हाय रे जिंदगी, इस औरत की जिंदगी देखो, दिन भर बर्तन धोने में, कपड़े धोने में और अपनी देवरानी का खून चूसने में ही रह गया इसकी जिंदगी। क्या हाल हो गए ना आपके। चलो अगर ना ऐसे, अगर आपको अपनी जिंदगी ना एक्सप्रेस करनी किसी सॉन्ग में, तो आप कौन सा गाना गाओगी? कोई सा भी लगा दो। बताओ कौन सा, आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है, बताओ। भाभी चेक कर रही थी पापा और भैया बाहर तो नहीं कहीं, अरे कोई नहीं है, अब नहीं है। ये प्रेम का रोग हमें झाड़ू लगवाए, बर्तन धुलवाए, प्रेम की सजा ऐसी ना, ऐसी ना। भाभी जी, ओ माय गॉड, अरे दिवाली खत्म हो गई पर खरीदारी खत्म नहीं हुई, क्या बात, नए नए गद्दे आ गए, ओ माय गॉड, अब कमर दर्द नहीं होगी लग रहा है मुझे आपकी, बड़े अच्छे वाले लेके आए यार, गद्दे दिखाओ, बड़े महंगे हैं, कितने के हैं ये? महंगे हैं। कितने महंगे? ज्यादा महंगे भी नहीं है। कितने महंगा क्या होता है आपके लिए? मेरे लिए तो 500 रुपए भी महंगा ही होता है, आपके लिए क्या होता है? 6-7 हजार का है। 6-7 हजार? हाँ यार, आपके लिए महंगा काम, भैया हुए क्या, भैया हवलदार हुए सिपाही की बीवी के लिए तो होते ही हैं यार ये देखिए भैया, देखिए भैया अपने साथ दिवाली गिफ्ट लेके आए भाभी के लिए गद्दे, बोले तेरे को मैं एक आराम, मैंने तुझसे जो वचन लिए थे, 7 वचन जो दिए थे, उसमें से एक था कि मैं देखो आराम की नींद दूंगा, इसीलिए भैया अच्छे वाले गद्दे लेके आए ताकि मेरी बीवी आराम की नींद सो सके, है ना। तो फ्रेंड्स, हंसते हंसते भाभी के साथ कुछ गप्पे मारते मारते मैं आपको सीधे मिल रही हूँ शाम के 5 बजे, और भाभी ने बनाई है बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय, जो कि मैंने ही उन्हें सिखाई, तो थैंक यू बोल सकती हैं आप। मैंने खुद ही सीखा। थैंक यू बोलो मुझे, ऐसी देव बोलो, मैंने बनाया है। सिखाया किसने? ये है मेरे चरण, गुरु के चरण को स्पर्श करो। सेम टू यू, सेम टू यू। तो यार आप कितनी खुश नसीब हो, आपको ऐसी देवरानी मिली जिसने इतनी अच्छी चाय बनाना आपको सिखाया। चाय, पता है चाय बनाना एक कला है, कला देखती हूँ, चेक करती हूँ, ओके ओके है, मतलब मुझसे उतनी अच्छी, मुझसे अच्छी तो नहीं बनाई है, बट चलेगा। चलो इसी चाय, मतलब शाम की चाय के साथ एक गेम खेलते हैं, ठीक है। मैं आपसे बहुत, मतलब एक रैपिड फायर है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जल्दी जवाब देना है, ठीक है। प्यार, आउट। प्यार, विश्वास, आउट। आउट यार, मैंने कहा जल्दी जल्दी करना, इतना सोच समझ के तो कोई भी अच्छा जवाब देगा, फिर से ठीक है। मोहब्बत, प्यार, क्या बात। खाना, टेस्टी। चाय, टेस्टी। वाह 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 वाह। कपड़े, सुपर क्वालिटी। बर्तन, क्लीन वॉश। कपड़े धोना, परफेक्टली। बारिश, कूल मौसम। फूल, प्रेगनेंस। भैया, आई लव यू। बच्चे, हार्ट। सास ससुर, हार्ट, गॉड। हाँ बात तो सही है, और देवर और देवरानी। उच्च, कितना सोचा इस लेडी ने, कितना सोचा इस लेडी ने। इससे आप समझ सकते हो, देखो एक जेठानी हमेशा अपनी देवरानी से ना, क्या करूं मैं। घर, मंदिर। गुड, तो इस जवाब के लिए आपके जवाब थे शानदार से भी शानदार, तो आपको ना गिफ्ट दिया जाएगा, क्या बोलो? क्या? आप कल ना 3 टाइम का खाना बनाना, ये आपके लिए गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए बोलो। गिफ्ट चेंज। कौन आया? मम्मी आ गई यार।
है मम्मी, आपने हमें सरप्राइज दे दिया। प्रणाम, कैसे है? हाँ हम कह रहे हैं। हाँ तो आप अकेले क्यों आए? अच्छा 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 तो पता है हमने यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे मर्डर कर दिए, वो भी इन मच्छरों के। पता है आपको यार, मानना पड़ेगा दिल्ली के मच्छरों में और उत्तराखंड के मच्छर में बहुत फर्क है। दिल्ली के मच्छर क्या होते हैं, बिल्कुल ही चुसियाए हुए, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं उनके अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या ना पॉपुलेशन ज़्यादा है मच्छरों की, यहाँ पॉपुलेशन कम है। पर यहाँ के मच्छर यार मानना पड़ेगा, पहाड़ी खून दौड़ है उनके शरीर में, मतलब इतने मोटे मोटे हैं ना ये, देखिए मोटे ताजे। हाँ यार सच में देखो, मैं तो इतने मोटे मच्छर देखे ही नहीं। और दिल्ली के मच्छर ऐसे थे, ऐसे ताकत ही नहीं होती सच में, ऐसी होती है यार वहाँ के मच्छर। और यहाँ के नहीं, वहाँ पे ना खाना नहीं बचता है क्योंकि वहाँ के मच्छरों की पॉपुलेशन बहुत है। यहाँ तो दो चार है तो अच्छा खाना, अच्छा खासा खा रहे हैं, लोग ज्यादा है मच्छर कम है। दिल्ली में क्या है, लोग कम है मच्छर ज्यादा है, तो खाना नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाता होगा ना उन सब में। ये देखिए पहाड़ी मच्छर, पहाड़ी पहाड़ी मच्छर, और इस इंसान का खून चूस के ये बना पहाड़ी मच्छर। यार मानना पड़ेगा यार, दिल्ली के मच्छर और यहाँ के मच्छर में बहुत फर्क है यार। ये देखो कितना मोटा मच्छर है यार, कितना खून चूसा होगा इसमें, पहाड़ी खून दौड़ रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स, हम हर रोज की तरह शाम को निकल चुके हैं घूमने, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है हर रोज की तरह दाल खाने में, क्योंकि हमें लेट जाना बहुत अच्छा लगता है। ये यार हम लोग को मानना पड़ेगा ना, हम आप लोग तो बोलते हैं कि यार हमारे घर में लेट आने में डांटते हैं, पर हमें अब आदत हो चुकी, अब तो आदत सी है हमें लेट जाने की। मेरा मतलब मुझे क्यों डांटेंगे यार, मैं तो घर की छोटी बहू हूँ ना, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो बड़ा है उसको अकल होनी चाहिए ना। मैं तो इन्हीं के नक्शे कदम पे चलूंगी ना, इन्हीं मैडम के नक्शे कदम पे। तो आज हम फिर से जा रहे हैं भाभी के आईब्रो बनाने। टाउनशिप के लोग बोल रहे हैं कि ज्योति पागल हो गए, वो भी भाभी के प्यार में। मम्मी बना रही है पापा के लिए लौकी का जूस, जो कि बहुत फायदेमंद होता है ना। मम्मी दो दिन से घर में नहीं थी तो बोली है, आते ही अब मैं बस लग जाऊंगी अपने पति की सेवा में ना। हाँ, दो दिन से तो पिलाया नहीं बुआरियों ने, अब पत्नी ही पिलाएगी। मैंने कहा बुआरियों से बोलो बना दो करके। हाँ बुआरिया किसी काम की नहीं है, बोलना था आपको। हाँ अरे नहीं मम्मी, ये लौकी देखे ना हमें अजीब सा हो जाता है, इसलिए हम जूस ही बनाते। लौकी का खाते खाते बिछैन होगी। हाँ इतनी लौकियाँ होगी ना, इतनी लौकियाँ होगी। मम्मी सोने के लिए जा रही, मम्मी गुड नाइट तो कह दो। गुड नाइट हिंदुस्तान, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और सुबह उठते गुरु हो जाओ। कैसा लगा डायलॉग भाभी? राधे कृष्णा बोलो, राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अम्मा गुड नाइट, गुड नाइट, ओह गुड नाइट, गुड नाइट।